चलिए दोस्तों, तो आज फिर हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। 30 तक जो ट्रिब्यूट्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूट्स जो मिल्टन के विषय में है, मिल्टन की लैंग्वेज के विषय में है या उनके कुछ वर्क्स के विषय में है, उनको हम समझेंगे। तो पहला ट्रिब्यूट है दोस्तों, मिल्टन्स चीफ टैलेंट एंड इंडीड हिज डिस्टिंग्विशिंग एक्सीलेंस लाइज इन द सब्लिमिटी ऑफ हिज थॉट। मिल्टन का जो वास्तविक टैलेंट है, जो गुण है, उनका जो छिपा हुआ, जो छिपी हुई पूर्णता है, लाइज इन द सब्लिमिटी, वो सब्लिमिटी में है, वो उच्चता में है, ऑफ हिज थॉट, उनके विचारों की। यानी मिल्टन, जो भी मिल्टन का गुण है लिखने का, वो सब सभी चीजें उनके विचारों से प्रेरित है, यानी विचारों में समाहित है। ये किसने कहा है? ये एडिसन ने कहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कोट है। एडिसन ने कहा है कि मिल्टन का जो भी टैलेंट है वो सब कुछ उनके विचारों की सब्लिमिटी से निकला है, यानी उनके विचार इतने उच्च हैं, उन विचारों को ही उन्होंने अपनी रचनाओं में परिणित किया है। द साउंड ऑफ हिज लाइन्स इज मॉड्यूल इन टू द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट। किसने कहा है दोस्तों? द साउंड ऑफ हिज लाइन्स, जो गीत है उनकी पंक्तियों का, इज मॉड्यूल्ड, वो ढला है इन टू द एक्सप्रेशन, वर्णन में, ऑफ सेंटिमेंट, जो मानसिकता है। यानी आप समझिए कि जो भी विचारधारा रही होगी, ये सारे थॉट्स दोस्तों विचारधारा से रिलेटेड हैं। तो यहां पर ये जो लाइन है दोस्तों, ये विलियम हैजलिट ने कही है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, कुछ जगह पे कोटेशंस को आपको अपने पर्टिकुलर ट्रिक के माध्यम से याद करना है, क्योंकि एग्जाम टफ होने जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा हूं। थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें, सर हमने इतने ट्रिब्यूट्स याद किए हैं, तो दोस्तों कुछ तो एक्स्ट्रा हमें करना ही पड़ेगा। आप मेहनत कीजिए और सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो द साउंड ऑफ हिज लाइन्स इज मॉड्यूल्ड इन टू द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटिमेंट। नेक्स्ट है, मिल्टन्स वर्स इज नेवर मोनोटोनस। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोट, इसको जरूर आप ध्यान रखें। क्या कहा गया है? मिल्टन्स वर्स इज नेवर मोनोटोनस, इट्स स्ट्रेंथ एंड इंट्रिकेट रिफाइनमेंट एवरी रीऑर्डर मस्ट एक्सपीरियंस फॉर हिमसेल्फ। ये मैंने यहां पर, आप ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक लाइन्स हैं। ये टीएस एलियट ने कहा है अबाउट वर्स ऑफ जॉन मिल्टन। तो मिल्टन्स वर्स इज नेवर मोनोटोनस, आप केवल इतना भी याद कर लें, क्योंकि इतना ये आपसे पूछ लिया जाएगा काट करके। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, पूरा कोट नहीं दिया जाता है, तो जो मेन पार्ट है उसको आप जरूर लर्न करें। मिल्टन्स वर्स इज नेवर मोनोटोनस, इतना आप याद कर लीजिए। किसने कहा है मिल्टन्स वर्स इज नेवर मोनोटोनस? तो टीएस इलियट ने दोस्तों। नेक्स्ट है, मिल्टन हैज लिटिल इंटीमेट मीनिंग फॉर अस, ही डज नॉट टच अवर डेप्थ्स। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, इसका जो सेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिडिल्टन मुरे का ये रिमार्क है, और बड़ा ही डीप स्टडी के बाद ये सब जो कोट हैं, जो क्रिटिकल कोट्स हैं, मैंने आपके लिए नोट किए हैं। मिल्टन हैज लिटिल इंटीमेट मीनिंग फॉर अस, ही डज नॉट टच अवर डेप्थ्स। मिल्टन हमारे हृदय की गहराई को छूते ही नहीं है, ऐसा कहा है मिडिल्टन मुरे ने। तो यहां से आप देखिए, ही डज नॉट टच अवर डेप्थ्स, ये मैं आपको केवल एक तरीका बता रहा हूं कैसे आप इनको याद रखें। ही डज नॉट टच अवर डेप्थ्स, उन्होंने हमारी गहराई को छुआ ही नहीं है, मतलब हमें डीपली वो लेके ही नहीं गए। तो ये किसने कहा है? मिल्टन ने कहा है। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि यहां थोड़ा कोट अलग है, जो वास्तविक मिल्टन को हम पढ़ते हैं
तो आप देखेंगे कि उन्होंने तो ग्रेविटी के अलावा मोकरी की नहीं है अपने किसी भी वर्क में। कोई मजाकिया सेंटेंस उसके उनके वर्क में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, मिल्टन इम्पोज्ड ए मेमोरियल स्टिफनेस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। मिल्टन ने इम्पोज्ड कर दिया, लगा दिया ए मेमोरियल स्टिफनेस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पर, भाषा पर, जो अंग्रेजी साहित्य है उस पर इम्पोज्ड कर दिया है ए मेमोरियल, एक यादगार, एक याद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पर छोड़ दी है। ये किसने कहा है दोस्तों? एफ एल लोकस ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकार्नेशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेरे को लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कोट है, हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकार्नेशन। ये मैकाले का ये जो है कोट है, और दो तीन कोट अभी आप निकाले के देखेंगे, बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकार्नेशन, उनकी जो कविता है वो एक इनकार्नेशन के समान है, एक अवतार के समान है, एक न्यू बॉर्न थिंग के समान है। आगे फिर कहते हैं दोस्तों, हिज मेरिट लाइज इन इट्स ऑब्वियस मीनिंग देन इन इट्स ओकल्ट पावर। इसको आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो आपको अच्छा लगेगा। ही इलेक्ट्रीफाइज द माइंड थ्रू कंडक्टर्स। देखिए यहां से आप केवल इतना याद कर लीजिए, ही इलेक्ट्रीफाइज, उन्होंने इलेक्ट्रीफाइज कर दिया है माइंड थ्रू कंडक्टर्स, एंड दैट ही स्ट्राइक द की नोट एंड एस्पेक्ट्स हिज हियरर टू मेक आउट द मेलोडी। तो आप केवल अगर इतना भी याद कर लेंगे, ही इलेक्ट्रीफाइज द माइंड थ्रू कंडक्टर, ये किसने कहा है मिल्टन के लिए? तो ये मैकाले ने कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इस वाले कोट को आप चाहे तो छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आप छोड़ सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, मेजेस्टी इज अनदर लैंडमार्क ऑफ मिल्टोनिक स्टाइल। मेजेस्टी इज अनदर लैंडमार्क ऑफ मिल्टोनिक स्टाइल, हिज स्टाइल इज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, यहां से कई कोट आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजेस्टी इज अनदर लैंडमार्क ऑफ मिल्टन्स स्टाइल, हिज स्टाइल इज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी। आपसे इतना पूछ लिया जाएगा दोस्तों, या तो शुरू का सेंटेंस दे देंगे ये, या फिर यहां से इतना आपसे, ये मैं बार बार आपसे इसलिए बताता हूं क्योंकि ऐसा मैंने देखा है एग्जाम में। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो पेपर बनाता है और पेपर को रखते समय वो ऐसा थोड़ा बहुत चेंज उसमें करता है। हिज स्टाइल इज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ये किसने कहा है? तो ये रेले ने कहा है दोस्तों, मिल्टन के बारे में कहा है, इंपॉर्टेंट कोट है, जरूर याद रखिएगा। मिल्टन द मैन, मिल्टन द थिंकर वर डिसमिस्ड फॉर द सेक ऑफ मिल्टन द आर्टिस्ट। बहुत ही प्यारा कोट है, इसको आप शायद एक ही बार में याद कर लें, और इंपॉर्टेंट इसलिए है भैया कि ये डेविड मैसन है, इन्होंने जो मिल्टन की लाइफ है उस पर एक वर्क है ये इनका, आप देख लीजिए, 6 वॉल्यूम ऑफ मिल्टन्स लाइफ, तो ये इनका वर्क है। डेविड मैसन ने इनकी लाइफ लिखी है, बायोग्राफी इनकी लिखी है दोस्तों, तो उसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है एक बार फिर से सुनिए, आपको कोट भी अच्छा लगे। मिल्टन द मैन, मिल्टन जो कि एक व्यक्ति है, मिल्टन द थिंकर जो कि एक विचारक है, वर डिसमिस्ड, हम इन दोनों को ही हटा देते हैं, फॉर द सेक ऑफ मिल्टन द आर्टिस्ट। मीन्स अगर हम मिल्टन द मैन की बात करें, मिल्टन द थिंकर की बात करें, तो इन दोनों की ही तुलना में वो आर्टिस्ट अगर उनको कहा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। डेविड मैसन ने कहा है, 6 वॉल्यूम्स ऑफ मिल्टन लाइफ, ये इनका वर्क है, मिल्टन की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है दोस्तों,
तो याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ही इज द वन आर्टिस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक. और देखिए मैंने कहा था जहां भी छोटे नवाब का कोर्ट आ जाए तो उसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा. मैथ्यू अर्नॉल्ड ही, आपको बता दूं मैं इनको छोटा नवाब बोलता हूं, और जो डॉक्टर जॉनसन है उनको बड़े नवाब, क्योंकि इन दोनों की जो कोर्स है वो जब भी आप किसी को पढ़ेंगे तो उनकी कोर्स, इनके ट्रिब्यूट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे. ही इज द वन आर्टिस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक. किसने मिल्टन को वन आर्टिस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक कहा है? तो ये दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा है. मैथ्यू अर्नॉल्ड कॉल्ड मिल्टन वन आर्टिस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक. 200 फाइन वाज ए करप्शन ऑफ अवर लैंग्वेज. दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको जरूर नोट कर लें, याद कर लें. दो सो फाइन वाज अ करप्शन ऑफ अवर लैंग्वेज. दोस्तों ये कोट एक बार मुझे ध्यान है किसी एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर के ये पूछा गया है. आई थिंक शायद ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है, मुझे ध्यान है इसका. किसने पैराडाइज लॉस्ट को करप्शन ऑफ अवर लैंग्वेज कहा है? पैराडाइज लॉस्ट को किसने करप्शन ऑफ अवर लैंग्वेज कहा है दोस्तों? तो कीट्स ने, जॉन कीट्स ने कहा है. रोमांटिक पोएट है जॉन कीट्स, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है. They are the two fine efforts of imagination. बड़े नवाब डॉक्टर जॉनसन अबाउट एल एलिग्रो एंड इल पेंसुलिस. देखिए दो वर्क हैं, ट्विंस पोएम्स हैं, इनको ट्विंस पोएम्स कहा जाता है, जुड़वा कविताएं कहा जाता है. और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, इन्हीं कविताओं को द पोएम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग भी कहा जाता है दोस्तों. तो डॉक्टर जॉनसन ने इन दोनों कविताओं के बारे में कहा है, क्या कहा है? दे आर द टू फाइन एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन. ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं कल्पना शक्ति के, कल्पनाशीलता के. जॉन मिल्टन की कल्पनाशीलता के बहुत ही फाइन एफर्ट है, बहुत ही अच्छा प्रयास है. किसके बारे में कहा है? एल एलिग्रो और इल पेंसुलिस को किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन, बड़े नवाब. The Milton of poetry is the man in his own magnificent phrase. Professor Kine. देखिए Professor Kine कहते हैं The Milton of poetry is the man in his own magnificent phrase. तो याद रखिएगा ये कोर्स आपको याद करने हैं, कुछ को मैं बताता हूं, कुछ अपना तरीका आप अप्लाई कीजिएगा, पर इनको लर्न जरूर कीजिएगा. Thy soul was like a star. ये तो आप कई बार कर चुके हैं तो आपको याद है. Thy soul was like a star and dwell apart. ये वर्ड्सवर्थ का जो सोनेट है To Milton, To London, 1802, उसमें इन्होंने कहा है. तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. और मैं कुछ कोट आज आपको ऐसे बताऊंगा दोस्तों जो आप सुनेंगे और कहेंगे कि वाकई में सर लिटरेचर. दोस्तों कुछ बार बार मैं फील करता हूं कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, जिस कारण से मैं जिस तरह से आपको पढ़ाना चाहता हूं उस तरह से नहीं पढ़ा पाता. फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, और वो समय भी आएगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज के जो कोर्स है दोस्तों, इन्हीं में से आपको कोर्ट मिलेगा कोई ना कोई. In tongues he so much skill had got, he might be called the polyglot. देखिए दो पंक्तियां थी, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई है. ये कविता के रूप में लिखी गई ये पंक्तियां थी, यहां से ये एक के नीचे एक आ जाएंगी. उनको कहा गया है इन टंग्स, अगर हम जुबान की बात करें, शब्दों की बात करें, he so much skill had got.
उनके पास इतना स्किल है, इतना स्किल है कि उसका कोई कोई उसका सा नहीं, कोई उसका छोर नहीं. ही माइट बी कॉल्ड द पॉलीग्लॉट. और आपको मालूम है पॉलीग्लॉट किसको कहते हैं? बहुभाषी, जिसको एक भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो. हु कैन यूज मोर देन वन लैंग्वेज, टू लैंग्वेज. थॉमस एल्वुड, थॉमस एल्वुड ने कहा है दोस्तों ऑन एपिटाफ ऑफ मिल्टन, मिल्टन के एपिटाफ में, थॉमस एल्वुड ऑन एपिटाफ ऑफ मिल्टन, याद रखिएगा ये वर्क है एपिटाफ ऑन मिल्टन थॉमस एल्वुड का. उसमें उन्होंने कहा है इन टंग्स ही सो मच स्किल्ड हैड गॉट ही माइट बी कॉल्ड द पॉलीग्लॉट. तो आप इतना यहां से याद कर लीजिए किसने मिल्टन को पॉलीग्लॉट कहा है, थॉमस एल्वुड ने. और अगला दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मिल्टन को कितना सम्मान मिला है उनकी उस कड़ी मेहनत का जो उन्होंने अपने बंद कमरे में बैठ करके किताबों के अध्ययन से कमाई है. देखिए एक और महान लेखक कवि ने इनके बारे में क्या कहा है. ये कहते हैं दोस्तों थ्री पोएट्स इन थ्री डिस्टेंट एज्स बॉर्न, कि तीन कवि तीन दूरस्थ इलाकों में तीन अलग अलग समय में पैदा हुए. कौन कौन? ग्रीस, इटली एंड इंग्लैंड डिड अडॉर्न. और उन्होंने अपनी कला से, अपनी कविता से, अपने संगीत से ग्रीस को, इटली को और इंग्लैंड को अडॉर्न कर दिया, सजा दिया है दोस्तों. बड़ा ही सुंदर ये कोट. और इसको जब मैंने पढ़ा दोस्तों तो ये मुझे शुरू से ही बड़ा ही पसंद भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है. आना या ना आना दोस्तों एग्जाम में ये अलग बात है, लेकिन पोएट्री का एक अपना अलग मजा है. थ्री पोएट्स, तीन कवि पैदा हुए, तीन महान कवि इन थ्री डिस्टेंट एज बॉर्न. एक होमर, ग्रीस, वर्जिल और थर्ड मिल्टन. तो तीसरे नंबर पर उन्होंने मिल्टन को रखा है. और ये कोट कहा है दोस्तों? ड्राइडन ने. इट इज सेड बाय ड्राइडन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको जरूर आप याद कर लें, नोट कर लीजिए. ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा ये कोर्स का, ये नोट्स का, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों. आगे आते हैं और ये कोट उस कोर्स की तरह है. ओ माइटी माउथेड इन्वेंटर, दोस्तों थोड़ा सा ही स्पेलिंग मिस्टेक है, इन्वर्टर हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. ओ माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम ऑफ एटर्निटी, God gifted organ voice of England, Milton a name to resound for ages. दोस्तों देखिए पहली लाइन पूछी जा चुकी है एग्जाम में, ये TGT एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है. और जो दोस्तों थर्ड लाइन है इस लाइन को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है. टेनिसन की ये लाइन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा TGT में भी और ये PGT में भी पूछी गई लाइन है. किसने कहा है, किसने मिल्टन को माइटी माउथेड कहा है, इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज कहा है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है? तो आप याद रखिएगा सही आंसर है दोस्तों टेनिसन. टेनिसन ने इनको गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है, इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज कहा है. और आगे दोस्तों एक ऐसा कोट जो मतलब क्या मैं बोलूं इस कविता के बारे में आपको. थॉमस ग्रे की प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, अगर आपको कभी मौका लगे तो इसको जरूर आप पढ़िएगा.
हालांकि इस पर इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। थॉमस ग्रे को आप जानते हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के लिए, और पिंडारिक ओड को सही ढंग से लिखने का राइट अगर कोई कला सीख पाया तो थॉमस ग्रे ने पिंडारिक ओड लिखे हैं। दोस्तों थॉमस ग्रे के वर्क हैं प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, जिसमें उन्होंने पोएट्री का वर्णन किया है, पोएट्री कैसे कहां पर किस देश में किस कंट्री के बाद कहां कहां इसका विकास हुआ है। और एक कविता इन्होंने लिखी है दोस्तों द बार्ड, जो कि पिंडारिक ओड है। तो पिंडारिक ओड में पिंडार के बाद अगर कोई अच्छा पिंडारिक ओड को प्रयोग करने वाला है तो थॉमस ग्रे ने बहुत अच्छी शैली के पिंडारिक ओड लिखे हैं। और जो प्रोग्रेस ऑफ पोएजी है उसमें उन्होंने शेक्सपियर मिल्टन का जिक्र किया है, और मिल्टन के बारे में जो लाइन कही है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लाइन है। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं पूरा कोट आपको बताऊंगा। देखिए क्या कहते हैं वो, पहली लाइनों में वो शेक्सपियर का वर्णन करते हैं और शेक्सपियर के बाद वो कहते हैं नॉर सेकंड ही दैट रोड सबलाइम, और वह भी किसी से कम नहीं था। दूसरे नंबर पर जो आ रहा है, जिसकी मैं दूसरे नंबर पर चर्चा कर रहा हूं, वो भी किसी से कम नहीं था। दैट रोड सबलाइम, जो उच्चता के शिखर पर चला गया, जिसने दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ा दिया, अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ एक्सटासी, सेरफ पक्षी पर, जो एक वर्ड है जो क्रिश्चियन मिथोलॉजी में बिब्लिकल भी आप कह सकते हैं, विंग्स सिर्फ पंछी के ऊपर बैठ करके, एंजल के ऊपर बैठ करके वो एक्सटासी ऐसे आनंद के सागर तक चला गया और उसी को उसने पा लिया। तो नॉट सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ एक्सटासी, थॉमस ग्रे ने कहा है दोस्तों, मिल्टन के लिए कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे और भी लाइन आएगी दोस्तों, देखिए क्या कहा, ही सा बट ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट क्लोज्ड हिज आई इन एंडलेस नाइट। देखिए अब मैं ये पूरा कोट आपको बताता हूं, ये एक ही कोट है दोस्तों, पूरा कोट मैं आपको समझा देता हूं वो क्या कहना चाहते हैं यहां पे। एक्चुअली क्या है कि यहां पर वो कहते हैं कि मिल्टन किसी से कम नहीं है, शेक्सपियर के बाद दूसरा स्थान थॉमस ग्रे ने मिल्टन को दिया, और वो कहते हैं कि मिल्टन इतने महान कवि थे कि अपनी उच्च शैली, उच्चता के साथ, उच्च विचारों के समायोजन के साथ वो सेरफ विंग यानी एक एंजल जो कि एक पंछी के रूप में है उसके पंखों पर सवार होकर के वो उस परम आनंद यानी स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गए। गॉड का जो प्लेस है दोस्तों, जहां पर गॉड का सिंहासन रखा हुआ है, वहां तक वो चले गए, ऐसा थॉमस ग्रे ने लिखा है। और कहते हैं कि जब गॉड के सिंहासन तक वो पहुंचे तो गॉड के सिंहासन में जो मणि, जो सफायर लगे हैं, जो रत्न है, जो हीरे जवाहरात हैं, हीरे मोती हैं, उनकी जो चमक है उसके चकाचौंध को देख करके मिल्टन ने जो आंखें खोली और उस गॉड के सिंहासन को देखा तो उसमें जो हीरे थे, जो सफायर लगे हुए थे, उसकी चकाचौंध से मिल्टन की आंखें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कहते कि इतना इतना महान कवि था जो अपनी कविता के दम पर सिर्फ विंग पर सवार होकर के गॉड के दरवाजे तक चला गया, वो गॉड को देख नहीं पाया, केवल गॉड के सिंहासन को देख करके ही उसकी आंखें चकाचौंध से अंधी
हो गई। तो यहां पर कहा गया क्लोज्ड हिज आईज, और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया इन एंडलेस नाइट, कभी भी ना खत्म होने वाली रात के लिए। तो दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही कोट दोस्तों थॉमस ग्रे के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और वहां पर हम इनको फाइनल करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के कोट आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।